अब जाके भाई थोड़ा रास्ते में पड़ा है शहर वाला इलाका, जहाँ पर दुकानें हैं भाई। नहीं तो भाई 3 दिन से तो इतना खतरनाक ड्रामा हो गया, 3 दिन से बस खाली वही रोड दिख रही थी 3 दिन से भाई। अब आगे मुझे होटल मिल ही जाएगा। देख रहे हो इस जगह का नाम क्या है मुझे नहीं पता, मगर आई पूछूंगा जगह का नाम क्या है। तो भाई मैंने चाउमीन ऑर्डर की थी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भयंकर भूख लग गई थी, बहुत भयंकर भाई, इसलिए मैंने चाउमीन सबसे बढ़िया है, जल्दीबाजी में चाउमीन ही बन सकती है और तो क्या बनेगा भाई। ठीक है, खाना तो है नहीं इस समय किसी के पास, तो चाउमीन ही खाएंगे। और मैं बता दूँ यहाँ पर का नाम है प्रेम पुलिया, इस जगह का नाम जावर मैं बैठा हूँ इस जगह पर। अभी जस्ट मैं चाउमीन खा के लगभग 1 किलोमीटर आगे निकला और उसके बाद फिर देख सकते हो फिर वही वाला सीन हो गया। ठीक है, हाँ मुझे लगा कि यार भाई चलो अब बढ़िया है कि अब मार्केट दिखेगा काफ़ी टाइम के बाद। 2 दिन से मैं वही चीज़ देख रहा हूँ ना, बार बार रिपीट वही चीज़ देख रहा हूँ ना, तो मेरे को ये लग रहा है कि मैं पता नहीं कितने साल बाद मैंने मार्केट देखा भाई, सीरियस में कह रहा हूँ। मेरे साथ हुआ अभी एकदम से। और ये हाईवे कितना लंबा है मुझे खुद नहीं पता, लगभग 2 दिन से मैं चल रहा हूँ, कहते हैं कि दिन रात डे नाइट चल रहा हूँ, मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई अब तो कोई अच्छा सा मार्केट आ जाए या कोई अच्छी सी जगह आ जाए। ठीक है, पता है जब एक ही चीज़ बार बार एक ही चीज़ दिखती है ना तो इंसान बोर हो जाता है भाई उस चीज़ को देखकर, और उसके बाद चलने का मन भी नहीं करता है। देख रहे ये खेत है और ये हाईवे है, 2 दिन से लगातार मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ दिन रात भाई। चलते हैं भाई, जब तक दिखेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं, अभी तो फिलहाल चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यूपी अच्छी जगह नहीं है, यूपी भाई बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारे प्यारे व्यू है यहाँ, मगर यहाँ बस एक ही चीज़ है रिपीट, एक व्यू दिख गया तो रिपीट दोबारा वही व्यू दिखेगा, बस यही दिक्कत है। तो भाई ये है रुद्रपुर, रुद्रपुर का मार्केट है और मैं रुद्रपुर पहुँच चुका हूँ भाई, काफ़ी बड़ा मार्केट है। अब मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि स्टे करने के लिए यहाँ पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरे को, किसी को किससे पूछना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर गुरुद्वारे बहुत ज़्यादा हैं, मगर गुरुद्वारे में स्टे करने के लिए बिल्कुल नहीं है जगह पे, तो इस जगह पे धर्मशाला भी है और धर्मशाला में भाई 8 बजे से पहले मेरे को कहा है कि 8 बजे से पहले मत आना इस जगह पे, 8 बजे के बाद आपको रूम मिल जाएगा भाई। ठीक है, धर्मशाला तो मैंने वैसे ढूंढ लिया, चलो तलक आपको मैं रुद्रपुर मार्केट दिखाता हूँ कि रुद्रपुर मार्केट कैसा है भाई। तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी इतना बड़ा मार्केट होगा, बहुत बड़ा मार्केट है भाई ये। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि भाई कब मिलेगा मुझे कोई इतना बड़ा मार्केट, मैं थक गया था देख देख के, तो अब काफ़ी अच्छा फील हो रहा है भाई, बहुत बहुत बड़ा मार्केट है भाई ये।
रूम पे जाना है, सीधा सो जाना है वैसे भी, क्योंकि दो दिन का थका हुआ हूँ मैं और काफ़ी बुरी हालत हो गई है, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। थोड़ा बहुत खाना खाएंगे, फास्ट फूड ही खाऊंगा थोड़ा सा, और उसके बाद सो जाऊंगा भाई मैं, क्योंकि दोबारा कौन आएगा बैग रख के, इससे बढ़े कि मैं खाना खा के चले जाऊँ। तो मैंने एग रोल मंगाया है, एग रोल ही खाऊंगा, एग रोल से मेरा पेट भर जाएगा भाई। उसके बाद से रूम पे, और से उसके बाद कल सुबह। भाई हालत ख़राब हो गई, स्ट्रैक में मज़ा नहीं कर रहा। खाते हैं और फिर निकलते हैं अपने रूम पर। तो सुबह जब मैं मॉर्निंग टाइम पे जब मैं यहाँ से निकलूँगा, उस टाइम पे और अच्छा व्यू दिखाऊँगा आपको मैं। अभी तो फ़िलहाल नाइट का व्यू दिख रहा है, कुछ ऐसा व्यू है। और आज मैं इतना ही बता सकता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ भाई, और मेरे पैर दर्द भी हो रहे हैं, इसलिए भाई। वैसे मार्केट काफ़ी बड़ा है ये, और काफ़ी अच्छी जगह भी लग रही है भाई, लोकेशन काफ़ी अच्छी है यहाँ की भाई। और मैं अब जा रहा हूँ कमरे पे, क्योंकि 8 बज चुके हैं, और उसने मुझे 8 बजे बुलाया था कि 8 बजे तक आ जाना, यहाँ पर रूम मिल जाएगा। देखते हैं वहाँ पर जाके रूम, देख कितने में देते हैं, कितने पैसे लेते हैं भाई पता नहीं भाई। तो बड़ी मुश्किल से मिला रूम मुझे, और मैं बता दूँ कि ये धर्मशाला है, ये रूम देख सकते हो ठीक है। और जो उसका किराया मुझे पड़ा है 200 रुपये, और आपको बता दूँ ये पूरा धर्मशाला बुक था, शायद से शादी या कुछ होगा शायद से, इसलिए पूरा धर्मशाला बुक है। तो अंकल जी ने मेरे को मना किया, फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि कहाँ से आया, फिर ये वो बोला, मैंने परेशानी बताई कि अंकल ऐसी ऐसी बात है, कल भी मुझे कुछ नहीं मिला, रूम भी नहीं मिला, कल भी नहीं मिला, और आज मिल रहा है तो आप मना कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि बेटा देख ले अपने हिसाब से। मैंने कहा अंकल जी पकड़ लेना आप, 400-500 रुपये पकड़ लेना, मगर रूम दिलवा दो, रूम दे दो मेरे को। 6 बजे सुबह निकल जाऊंगा यहाँ से, मैं सुबह सुबह निकल जाऊंगा यहाँ से। फिर जैसे जैसे करके अंकल जी मान गए और मेरे को रूम मिल गया भाई। क्या करें भाई, अगर आज भी रूम नहीं मिलता फिर बहुत बुरी हालत हो जाती। आपको पता है मैं लगभग 2 दिन से ढंग से सोया नहीं, दो दिन से ढंग से सोया नहीं मैं ठीक है। आज नींद पूरी हो जाएगी कैसे भी करके। और बताता हूँ, ये देखो भाई यहाँ से शादी है किसी की भाई, देख रहा हूँ। इसलिए लड़ी लगाई थी भाई, इसलिए यहाँ लड़ी लगी हुई कि शादी है किसी की। बहुत साउंड आ रहा भाई बाहर से, बहुत ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही, अगर ब्लॉग पसंद आया तो कोई लाइक और कमेंट जरूर करना, हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे। और बस आज के लिए इतना ही भाई, ओके भाई टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं फिर अगले सुबह कल। तो सुबह के लगभग 6:30 हो गए, और आप सबको गुड मॉर्निंग, और निकल रहा मैं सीधा यहाँ से, क्योंकि जितना जल्दी जाऊँगा उतना सही रहेगा ठीक है ना। तो मुझे थोड़ा ही रहेगा कि रुकने के लिए भी सही रहेगा, फिर जगह जगह पर मैं रुक सकता हूँ अगर मैं यहाँ से जल्दी निकलूँगा, इसलिए मैं जल्दी निकल रहा हूँ यहाँ से। तो इस समय लगभग 6:30 हो रहा है और 7 बजने वाले, देख रहा अब मौसम काफ़ी अच्छा है। तो सुबह सुबह चाय पीने का मन किया, थोड़ा सा रुक गए यहाँ पर,
ये रही अपनी चाय, देख रहे नीचे देख, वो है दुकान आपके लिए। यहाँ पीछे साइड लगभग यहाँ से 4-5 कदम के पीछे, मतलब आप कह सकते कि मतलब इसके पीछे, ठीक है, काफ़ी बड़ा मेला लगा हुआ है। पता नहीं किस चीज़ का मेला है, मुझे नहीं पता, मैं लगा हुआ है या शायद लगने वाला है, पता नहीं, ऐसा ही कुछ है भाई। कल गया था वहाँ पर, मगर कल कुछ तो कुछ था नहीं वहाँ पर सीन, नहीं तो मैं सोच रहा था यार चलो चरखी में बैठ जाए यार थोड़ा यार भाई, तो चाय पियेंगे, चाय पियेंगे और उसके बाद से चलेंगे भाई।